सो हेलो एवरीवान दिस इज एक्यर एंड वेलकम बैक टू अर ग्रेट डे ऑफ आर प्योक टूट सी दूड क्वेश्चन सो आज के क्वेश्चन का नाम मे आर फाइंड द क्लोजेस्ट एलिमेंट इन बी एस टी भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन डी एस ए का तो मैं यहाँ प्योरिटी बनाने के बाद मैं इसको अपने ट्रीज के प्लेस्ट में भी डाल दूंगा क्योंकि अगर आप वो सिलेबस एक्सेस करोगे जो मैं हमेशा एस डी शीट की लिंग डालता हूँ

राइट इलेवन ही कैसा नंबर है सबसे क्लोज है थर्टीन के बाकी सारे नंबर या तो इलेवन या इलेवन से नीचे के राइट टेन भी है वो इलेवन ज्यादा क्लोज में डिफरेंस बिटवीन थर्टीन एंड इलेवन वुड बी टू थर्टीन एंड टेन वुड बी थ्री राइट तो हमें सबसे क्लोज वाला नंबर पकड़ना है तो या इस केस में वो इलेवन होगा एंड थर्टीन माइनस इलेवन टू टू हमें आंसर में रिटर्न करना है सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं के एक नाइन तो क्लोजेस्ट नंबर क्या होगा अगर नो प्रेजेंट है तो वही सबसे क्लोजेस्ट हो गया यार तो डिफरेंस यू विल गेट एज एरो तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो क्वेश्चन जो ट्रीज का क्वेश्चन होता है दैट इज ऑल अबाउट ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल हम करते हैं और इस क्वेश्चन कैसे ट्रैवर्स करना है एक इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होता है बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें कभी कभी ऑर्डर ऑर्डर बदलने पड़ते हैं और प्रोसेसिंग स्टेप्स अलग अलग करना पड़ता है राइट इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में जैसे हम प्रिंट करते हैं राइट तो हमें ऑर्डर वही फॉलो करना है उन्हीं तीनों से एक को फॉलो कर लीजिए ट्रैवर्सल तो ट्रैवर्सल है हमें क्या करना है बस उसको बदलना होता है राइट तो ये अभी बी है तो उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कि जो इसका लेफ्ट नोड है लेट्स से टेन है रूट नोड तो उसका जो लेफ्ट नोड है वो उससे छोटा होगा वैल्यू में और जो राइट right नोड होगा वो उसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू बड़ी होगी राइट बट लेट्स से अगर ये बाइनेटरी होता है बी नहीं होता हम एकदम ब्रूटली चलते हैं तो हम क्या करते हैं यार हम एक नॉर्मल सब प्री ऑर्डर का कोड लिखते हैं राइट right? और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डेटा हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम डिफरेंस मेंटेन करके रखना है राइट right? तो एक इन ऑर्डर का कोड लिखेंगे जहां पे प्रिंटिंग डेटा लिखते हैं उसको उस लाइन को डिलीट करके वहां लिख देंगे कि आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मेन आंसर कॉमा के माइनस रूट डॉट डेटा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उतने में राइट तो एक चीज वो, वो करते हैं एक बार और फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है तो ये मैंने कर दिया यार अगेन अगर आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नहीं आता है तो अभी ऊपर बाइनरी ट्रीज के प्लेलिस्ट लिस्ट की लिंक आ रही होगी आप वहां जाके देख लेना एंड दैट इज द रीजन कि मैं वो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे बार बार सब कुछ स्रैच से ना बताना पड़े राइट मैं आपको डायरेक्ट अपने पुराने वीडियोज पर रेफर कर सकूँ वही एक एफिशियंट टाइम मैनेजमेंट का भी है यार ठीक है

बहुत ही बेसिक सी बात है हम कभी भी मिनिमम वैल्यूज का ट्रैक रखते हैं हम एक मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं क्योंकि पहली बार जब चेक हो तो अपडेट हो जाए लेट्स से से को अपडेट करोगे तो मिनिमम ऑफ का ऑलवेज बी राइट तो वो बहुत छोटी बात थी यार इन ऑर्डर को कॉल कर दिया रिटर्न आंसर कर दिया ऑर्डर कैसे चल रहा है इफ रूट इज नॉट इक्वेशनल लेफ्ट हाँ तो गो लेफ्ट एंड देन इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लाइन बदल डाली आंसर मैथ डॉट मैन आंसर कमा मैथी

और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री ठीक है हाइट ऑफ द ट्री भी क्यों होता है रिकर्सिव कॉल में वो पर्टिकुलर एक हाइट ही स्टोर होती है लेफ्ट 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 जाते आते है. वो भी मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपको देख लेना तब तो ठीक है तो ओ ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं सबमिट हिट बन तो एन जो है हमारा क्या दे रखा है फाइव जीरो सोल्यूशन ये ब्रूट सोल्यूशन भी सबमिट हो जाना चाहिए राइट की वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर बी एस टी एज अल बा ट्री ठीक है तो एज एज यू कैन सी ऑल द टेस्ट हैव बीन पास तो ये तुम्हारा तो हो गया सिंपल ब्रूट फोर्स दूसरा अब हम थोड़े पढ़े लिखे हैं हमने पढ़ रखा है बी क्या होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने की कोशिश करते हैं ठीक है थीक? उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट नोट के जो लेफ्ट में जो डेटा है दैट इज लेसर इन वैल्यू एंड द डेटा विच इज द राइट विच इज लार्जर इन वैल्यू राइट तो हम उसको यूज़ करते हैं यार हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको ओपन बोर्ड पर दिखाता हूँ तो हम एक छोटा सा ट्री लेंगे रिकर्जन के लिए हमेशा हमेशा हम एक छोटा सा ट्री लेते हैं उसी पर रिकर्जन को चेक करते हैं कि फ्लो कैसे होता है तो टेन टू इलेवन जो फर्स्ट कैसे वही ले लेते हैं ठीक है तो वन एंड फाइव ये सब ड्रॉ चलो कर देते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी चलो ठीक कर देते हैं कि एक है राइट ठीक है तो जब मैं इस पॉइंट पर हूं जब मैं मैंने रूट नोड अपने फंक्शन को पास किया कि भाई ये मेरा रूट नोड है रूट नोड है राइट तो मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ क्योंकि बी एस टी की प्रॉपर्टी है कि ये जो लेफ्ट साइड है वो छोटा राइट right साइड है जो बड़ा है हमेशा और ईच एंड एवरी नोड यू कैन चेक फॉर फाइव दिस पर्टिकुलर फाइव यू कैन सी दैट द लेफ्ट इज थ्री एंड द राइट इज सिक्स राइट तो मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ मैं कुछ स्टेट में लगा सकता हूँ हो right. तो क्या होगी मेरे को चाहिए सबसे क्लोजेस्ट राइट right. हम चाहेंगे कि ये जो रूट नोट डेटा है हम इसको बड़ा करने की कोशिश करें राइट right. क्यों क्यों करें क्योंकि ये इसके थोड़े क्लोज पहुंच सके तो राइट right, तो अगर हम किसी रूट डॉट डेटा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बड़ा नोड किस डायरेक्शन प्रेजेंट है ऑब्वियसली right so, right right? so, और ऐसे ही दूसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर रूट डॉट डेटा ग्रेटर देन हो जाए के थ्री हो जाए राइट तो डेफिनेटली बात है थ्री इस, के पास करना है और ये बड़ा है तो डेफिनेटली इसको रिड्यूस करना होगा रिड्यूस करने के लिए हमें लेफ्ट रिवर्सल करना होगा तो रिकर्जन ही करेंगे हम बट अब हमारे पास प्रूफ है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है राइट right? ठीक है तो मैं एक आपको थर्टीन के लिए रिकर्जन दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है तो मैं जब इस पॉइंट पे था इस पॉइंट इस पर तो मैं चेक करूंगा कि थर्टीन uh, जो, uh, जो है वो टेन जो है वो ग्रेटर देन थर्टीन है एंड वॉट आई विल कॉल आई विल कॉल मिनिमम ऑफ सिंस के माइनस रूट डॉट डेटा एंड आई विल कॉल द फंक्शन फॉर फंक्शन ऑफ इलेवन

और डेफिनेटली बात है कि नल है तो हमें इसी वाली को रिटर्न करना होगा थर्टी दैट इज टू राइट ये नल का तो कोई वैल्यू है ही नहीं प्लस मतलब इनफिनिटी से कर देते हैं ताकि दिस पर्टिकुलर नंबर प्लस इन्फिनिट तो ये तो हमेशा ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं बस ये नंबर रिटर्न हो जाए राइट right? तो बेस कंडीशन होगी आई विल से डॉट मैक्सकोर वैल्यू ठीक है एक बेस कंडीशन ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन दूसरी दो इफ स्टेटमेंट हमने बात कर लिया वो कैसे काम करेगा एंड दैट्स इट आई गेस हम्म एक और बेस कंडीशन हो जाएगी कि हमारा रूट डॉट डेटा लच से प्रेजेंट था जैसे टेस्ट केस टू में था राइट तो हमें ये भी दिखना पड़ेगा कि इफ से रूट राइट डॉट डेटा इज इक्वल इक्वल्स टू के तो हम उस केस में क्या कर देंगे हम उस केस में कहेंगे रिटर्न जीरो राइट ठीक है तो एक बार वो वाला सेकंड केस वाला रिकर्जन भी देख लेते हैं सेकंड हमारा किस तरह दिख रहा था तुरंत से देख लेते हैं यार ठीक है आ... केस था 8, 1, 9, 4, 10, था ही ना कुछ थ्री साइड था तो ठीक है हम यहाँ पर आएंगे हम देखेंगे कि हमारा रूट डॉट डेटा क्या एट और हमें क्या चाहिए नाइन तो डेफिनेटली ये छोटा है तो इसे बड़ा करने के चक्कर में हम इस तरफ मूव हो जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे हमारे पास क्या कॉल होगा हमारे पास रिटर्न होगा मिनिमम ऑफ नाइन चेक करेगा कि अच्छा कि हमारे पास तो ऑलरेडी नाइन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसको जीरो से कर दो है ना कि जीरो से कोई छोटा नंबर मिलेगा नहीं आपको तो मिनिमम ऑफ नाइन जीरो राइट और सिमिलरली यहाँ से ये चीज कर जाएगी रिटर्न जीरो हमारा आंसर हो जाएगा नाउ सिंस वी हैव द प्रिविलेज टू डिसाइड दैट विच एंड ऑल डायरेक्शन वी शुड टेक इधर टू लेफ्ट इधर टू राइट तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार या तो मैं देखो इस ट्री पर हूँ या तो मैं लेफ्ट जाऊंगा या तो राइट जाऊंगा तो लेफ्ट से मैं लेफ्ट गया फिर राइट right गया फिर लेफ्ट गया फिर राइट right गया फिर लेफ्ट गया फिर लेफ्ट ही चला गया राइट right? तो ये देखो क्या है यह हाइट ऑफ द ट्री है ये है हाइट ऑफ द ट्री राइट सो वी आर नॉट विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड इंस्टेड वी आर जस्ट चेकिंग वी आर जस्ट विजिटिंग फॉर द नोड विच इज इक्वल टाइट ऑफ द ट्री सो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ हाइट ऑफ ट्री राइट right? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी वो ऑफ हाइट ऑफ ट्री स्पेस कॉम्प्लिस तो क्लियर यार हाइट ऑफ ट्री ही होगी ये होगी कि लत से लेफ्ट 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 जाते चले गए राइट तो फिर रिकर्सिव कॉल रिटर्न होना शुरू होगा ये आप एक बार देख लेना यार वो वीडियो जरूर से तो चेक कर लेना कि किस हम क्यों बोलते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाइट ऑफ द ट्री होती है किसी भी इन ऑर्डर पी ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की राइट वो रिकर्सिव स्टैक का बीच में होता है एक लॉजिक ठीक है तो प्लीज पॉज करो वीडियो को ट्राई टू ऑप्टिमाइज द कोड एंड लेट्स कम बैक अगेन इन फाइव टू सिक्स मिनट्स ठीक है यार तो कोड रेडी है कोड हमारा क्या है कि हमने एक हेल्प फंक्शन बनाया टेकिंग द सेम पैरामीटर्स रूट एन के द टू बेस केसेस वी डिस्कसड ऑलरेडी कि हम जब नल होगा तो क्यों इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे बहुत जरूरी है करना uh, आपको पता है राइट वीडियो को बैक करो फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा था रूट डॉट डेटा की कोशिश के है तो हमें रिटर्न जीरो करना है दैट इज ऑल्सो क्लियर और ये दो इफ कंडीशन में डिस्कस कर ली कि अगर रूट डॉट डेटा वो ग्रेटर देन के है राइट तो हमें नियरेस्ट जाना है राइट तो रूट डॉट डेटा वो के बराबर करना है जो कि ऑलरेडी बड़ा है पहले से

ग्रेट ये कंपाइल हो चुका है लेट सबमिट बटन एंड एंड वी विल दिस वीडियो ए ग्रेट यार तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है आप सी प्लस को कन्वर्ट करना बहुत हार्ड काम नहीं होने वाला है आ, कुछ हार्ड होता तो मैं आपके लिए कन्वर्ट कर देता बट ठीक है आप ये कर लेना एंड दैट्स इट लेट इज मीट अगेन द ऑफ डे टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री और कुछ लास्ट बात है यार कि जो जो लास्ट क्वेश्चन था कल का क्वेश्चन वो काफी ईजी क्वेश्चन था मैंने पढ़ा और मेरे को नहीं लगा कि मेरे को उस पर वीडियो बनानी चाहिए आप लोग कर खुद से कर लोगे राइट right. क्योंकि मैं भी कर लिया था बहुत जल्दी और वो लाइक वो बहुत इजी क्वेश्चन था एक स्टैक लगाना था तो और बात खत्म हो जाती ठीक है तो ठीक है कल मिलते हैं तब तक के लिए बाय कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर